इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार बरहन आगरा। महानुभाव, कहा जाता है कि भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी, कि इंसान की जो मन की भावना होती है वही उसका भव निर्धारण करती है। कई इंसान के मन की भावना उसके भव का नाश भी कर देती है और कई इंसान के मन की भावना उसके और भव बढ़ा देती है। भाव ही तो है जो हमें अच्छा या बुरा प्रतीत कर देता है, भाव ही तो है जो हमारे अंतरंग के परिणाम को हमारे फेस पर ले आता है, भाव ही तो है जो हमारे अंतरंग के क्रोध को हमारी आंखों में भर देता है, भाव ही तो है जो हमारे
अंतरंग के विचारों को हमारी जवान पर ले आता है। ये भाव है। लोग कहते हैं कि क्रोध की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैं कहता हूँ कि क्रोध की शुरुआत आपके अंतर आत्मा से होती है। जब आत्मा में अंदर से क्रोध आता है तो बहिरंग में क्रोध आपको अपने आप झलकने लग जाता है। और मात्र बहिरंग में क्रोध नहीं होगा, क्योंकि यदि बहिरंग में क्रोध होता तो बहिरंग में प्रेम भी होना चाहिए। जब तक आप अंतरंग से किसी के प्रति अच्छे भाव नहीं लाओगे, जब तक आप अंतरंग से किसी के प्रति शुभ भावना नहीं लाओगे, जब अब तक आप अंतरंग से किसी के लिए शुभ विचार नहीं लाओगे, जब तक आप अंतरंग से किसी के लिए शुभ भाव के साथ में शुभ कर्म नहीं लाओगे, जब तक आप मान के चलना कि आपका जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। कई बार जीवन में जो हम देख रहे हैं उसकी कल्पना हम कई बार गलत कर लेते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने गलत सोचने लग जाते हैं। कई बार हम किसी इंसान के बारे में अनर्गल बोलने लग जाते हैं जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। एक बार ऐसा ही हुआ, जब किस्से कहानी के दौर चलते हैं तो कुछ लोगों के किस्से मशहूर होते हैं। उसमें एक अकबर बीरबल भी हैं, इनके भी कई किस्से सुनाए जाते हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि राजा, गुरु, पिता, मास्टर, माता, दोस्त या कोई भी व्यक्ति यदि किसी को स्नेह करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, किसी को ज़्यादा सम्मान देते हैं, तो आसपास लोगों में क्या होता है, जलन की भावना होगी। ये मानवीय गुण है और ये ह्यूमन नेचर हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में जेलेसी इतनी फैल चुकी है कि 3-4 पुत्र पुत्री हैं उनमें ही हो जाएगा कि माँ तुम उनको ही देती हो, मुझे नहीं देती हो। लेकिन माँ के मन में ऐसा नहीं होता, गुरु के मन में ऐसा नहीं होता, प्रभु के मन में ऐसा नहीं होता, बल्कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसको उतना ही वह देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही अकबर बीरबल के साथ में होता था कि अकबर बीरबल को तजुर्बा देते थे तो सारे दरबारी उससे जलते थे और बीरबल को नीचा दिखाने का प्रयास करते। एक बार सारे दरबारी इकट्ठे होकर आए और उन्होंने अकबर से कहा कि हजूर, हम एक प्रश्न लेकर आए हैं और उस प्रश्न का समाधान आपसे चाहते हैं। उन्होंने कहा, कहो क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा, हम एक प्रश्न लेकर आए हैं कि आपकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। अकबर से प्रश्न पूछा कि आपकी हाथ की जो हथेली है उनमें बाल क्यों नहीं है। और अकबर का सीधा फंडा था, कोई भी प्रश्न हो वह समाधान बीरबल से कराता था। उसने कहा, बीरबल बताओ कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बीरबल ने कहा, हजूर बात ऐसी है कि आप लोगों को दान देते रहते हो, आप लोगों को दान देते रहते हो, इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है। लोग चले गए। लेकिन जिस जीव के जीवन में षड्यंत्र होता है ना, वो शांत नहीं बैठता। आज हमारे यहाँ पर 3 दिन बाद गणतंत्र आने वाला है, 3 दिन के बाद में गणतंत्र दिवस आने वाला है, लेकिन इंसान के जीवन में स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। गणतंत्र दिवस चला गया, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, गणतंत्र दिवस आता है, लेकिन हमारे जीवन में गणतंत्र नहीं चल रहा है, बल्कि गणतंत्र चल रहा है, बंदूक वाला युग चल रहा है। गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस तो समाप्त होते जा रहे हैं। तो क्या कहा, 4-5 दिन बाद घूम फिर के फिर आ गए, बोले हजूर एक बात बताइए कि आपकी हथेली में बाल नहीं है, ये बात तो समझ में आई कि आप दान देते हो, लेकिन इस बीरबल की हथेली में बाल क्यों नहीं, इस बीरबल की हथेली में बाल क्यों नहीं है, इसका जवाब बताइए। फिर अकबर ने कहा, बीरबल बताओ। तो उसने कहा, हजूर आप दान देते हो और मैं दान लेता हूं,
आप दान देते हो और मैं दान लेता हूं, इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं है और आपकी हथेली बाल नहीं है। बात फिर चली गई। जिनके मन में षड्यंत्र है, जिनके मन में गलत भाव है, वह कुछ ना कुछ खुरापात दिमाग में लेकर चलते हैं। कुछ दिन बाद फिर आ गए और इस बार बहुत सारे लोग आए। उन्होंने कहा, अकबर जी, राजन जी, एक सवाल है। बोले, आपकी हथेली में बाल नहीं है क्योंकि आप दान देते हो, इसकी हथेली में बाल नहीं है क्योंकि दान लेता है, लेकिन हम सबकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? हम सबकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अकबर ने फिर बीरबल से कहा, तो बीरबल ने कहा, राजन गुस्ताखी माफ, राजन गुस्ताखी माफ, मैं कहना नहीं चाहता हूं। दरबारी को लगा अब बीरबल फंस गया, अब इसको नीचा दिखाया जाएगा। हां, बोले, कहेगा कैसे? जब मालूम होगा जभी तो कहेगा। इंसान को मौका मिल जाए किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो वह उसको नीचा दिखाने के लिए इतना नीचे गिर सकता है, इतना नीचे गिर सकता है। कहते ना कि दूसरे को कोयला लगाने के लिए, दूसरे के मस्तक पर कालिख पोतने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अपने हाथ को काला करना पड़ता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि दूसरों के चेहरे पर कालिख मत पोतो, बल्कि दूसरे के मस्तक पर चंदन लगाने का प्रयास करो। आप दूसरों के मस्तक पर चंदन लगाओगे तो आपकी उंगलियों में खुशबू फ्री में आएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैन धर्म के एक तीर्थंकर हैं जिनको हर कोई चाहता है। कौन से तीर्थंकर हैं? कोई महावीर, कोई पार्श्वनाथ, कोई शांतिनाथ, कोई कुछ बोलेगा, मुनिश्रुत बोलेगा, आदिनाथ बोलेगा, लेकिन जैन धर्म के एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको हर कोई चाहता है, वह हैं चार नंबर के तीर्थंकर। क्या नाम है उनका? अभिनंदन नाथ। अभिनंदन, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सम्मान हो, मेरा अभिनंदन हो, बाकी सब कुछ भूल जाता है। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भी है तो ये सोच रहा है कि मेरा अभिनंदन कब होगा। सबको ही चाहते हैं, 24 के 24 को चाहते हैं। तो बता रहा था कि क्या है, मैं हमेशा कहता हूं, आप किसी के मस्तक पर एक उंगली अंगूठे से तिलक लगा दीजिए, आपकी उंगलियां दिन भर महकती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने किसी के मस्तक पर चंदन लगाने का प्रयास किया। तो बीरबल के नीचे गिराने के लिए दरबारी बहुत प्रयत्न करते थे। उसने कहा, हजूर गुस्ताखी माफ, राजन गुस्ताखी माफ, मैं बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन बोले, बताओ बताओ। उसने कहा, सीधी सी बात है, सरल सी परिभाषा है, सरल सी बात है, आप दान देते हो। दरबारी बोले, वो तो पता है। बोले, आप दान देते हो और मैं दान लेता हूं। दरबारी बोले, ये तो हो चुका। बोले, आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं, आपको देते देखकर, मुझे लेते देखकर ये सब जलते हैं, और जलते हैं तो हाथ मलते हैं, इसलिए क्या होता है कि इनकी हथेली में बाल नहीं है। आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं, और ये हाथ मलते हैं, इसलिए इनकी हथेलियों के बाल चले गए। आप कर रहे हो, मैं करा रहा हूं, और सामने वाला परेशान है, इसलिए उसके सिर के बाल चले गए। एक दे रहा है, एक ले रहा है, बाकी क्या करेगा? ये संसार में चल रहा है, ये संसार में हो रहा है कि दूसरे के सुख को तीसरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपके अंतरंग के भाव सही करें, आपके अंतरंग की भावनाएं सही करें, और जिस समय आपके अंतरंग के भाव, अंतरंग की भावनाएं सही होंगी, उस समय आपका जीवन क्रियाकलाप में चलने लगेगा, आपका जीवन सही दिशा में चलने लगेगा। और जिस व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों सही कब होती है? कहती ना माता जी, लोग अक्सर बोलते हैं कि जिसके सिर पर गुरु का हाथ, दुनिया देगी उसका साथ। कि जिसके सिर पर गुरु का हाथ है, गुरु की निगाहें, कहते हैं एक बार जिस व्यक्ति के ऊपर
गुरु की निगाहें पड़ जाती हैं, उसके जीवन की नजर कभी गलत जगह पर जा ही नहीं सकती, उसका जीवन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो अपने जीवन में अपना आत्मोत्थान करना है, अपने जीवन में अच्छे कार्य करना है, अपने जीवन में अच्छी क्रियाओं को करना है, तो भक्तम्र विधान में मात्र 48 बादाम चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि 48 बादाम के साथ साथ में अपने अंदर के जो दुष्परिणाम हैं उनको भी चलाने से जीवन का फायदा होगा। यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार बरहन आगरा।